नमस्कार दोस्तों, खरौंधी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र के न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं, साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मध्य विद्यालय खरौंधी के प्रांगण में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा द्वारा अनुमंडल स्तर पर कृषि मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन सोमवार को किया गया, जिसमें किसान अपने साथ अलग अलग कृषि उत्पादों के साथ कृषि प्रदर्शनी में शामिल हुए। इसमें उप विकास आयुक्त राजेश कुमार राय ने कहा, कृषि मेला सह प्रदर्शनी किसानों के लिए बहुत बड़ा मंच है, जहां पर किसान अपनी समस्या को कृषि वैज्ञानिकों के बीच रहकर खेती से संबंधित समस्या का समाधान कर सकते हैं। देश के किसान की स्थिति तभी बदलेगी जब उनके फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। साथ ही कहा, इसके माध्यम से ही किसानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी मिलेगी। किसानों की सिंचाई के लिए मनरेगा से सिंचाई कूप बनवाने की मांग किया गया है। कृषि मेला सह प्रदर्शनी कार्यक्रम में जिला प्रशासन अध्यक्ष शांति देवी ने कहा, कृषि के क्षेत्र में कृषि मेला का आयोजन अनुमंडल के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। यहां के किसानों को कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए तकनीक के आधार पर खेती करने से किसानों का उत्पादन क्षमता बढ़ेगा, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी शिव शंकर प्रसाद ने बताया, इस प्रकार के आयोजन से यहाँ के किसान जागरूक होंगे, साथ ही इसमें उन्हें तकनीक के माध्यम से खेती करने की जानकारी मिलेगी, जिससे किसान अपना पैदावार बढ़ा पाएंगे। इस मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी शिव शंकर प्रसाद, आत्मा के उप निदेशक नरेंद्र नाथ सिंह, जिला पशुपालन पदाधिकारी विद्यासागर सिंह, जिला उद्यान पदाधिकारी रविशंकर बनमाल, जिला पंचायती राज पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार, जिला परिषद उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव, जिला परिषद की ओर से कृषि सभापति शंभू चंद्रवंशी, प्रमुख आभारानी, जिला परिषद सदस्य भवनाथ पुरंजनी शर्मा, जिला परिषद सदस्य धर्मराज पासवान, सीओ सुनील कुमार, बीडीओ रविंदर कुमार, विसूत्री अध्यक्ष राजेश कुमार रजक, विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र दास, उप प्रमुख देवदत्त प्रसाद आर्य आदि उपस्थित थे। हालांकि मौलिक रूप से जल से कम जमीन से कम पानी निकालना चाहिए, कुआं बहुत बन जाए अच्छी बात है, अभी फायदा होगा, लेकिन हमारा तो पानी ही खत्म हो रहा है अंडरग्राउंड से, इसीलिए बहुत जगहों पर कुआं और हैंडपंप लगाने पर रोक लग गया। जमीन के पानी का दोहन कम से कम करें, जहां जरूरी है वहीं करें, ड्रिप इरिगेशन करें, फ्लड इरिगेशन नहीं, पूरा पानी पटा दिया पौधा उसमें हो रहा है, ऐसा नहीं। अब बूंद बूंद पानी जाए वहीं जाए जहां जरूरत है, जिस खेत में जरूरत है, कम पानी में कैसे काम हो। लेकिन आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि आज मैं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव से बात करूंगा और अपने हक से ज्यादा इस जिले के लिए कुआं मांगने का काम करूंगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि यहां के लिए ज्यादा कुआं मिलेगा।